हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने हिमाचल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जीत का दावा किया है। साथ ही इनका कहना है कि हिमाचल कांग्रेस में वर्चस्व की जंग छिड़ी हुई है। यहां विधायक बनने की नहीं मुख्यमंत्री बनने की होड़ मची हुई है। भाजपा महिला मोर्चा का एक सम्मेलन आज सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भाजपा सुरेश कश्यप व बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रश्मिधर सूद ने विशेष रूप से मौजूद रही। मीडिया से बात करते हुए सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि चार राज्यों में मिली जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है और यह तय है कि आगामी विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में भाजपा को बड़ा जनादेश मिलने वाला है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी में वर्चस्व की जंग छिड़ी हुई है, जहां विधायक बनने के नहीं बल्कि मुख्यमंत्री बनने के लिए होड़ लगी हुई है। कश्यप ने कहा कि हिमाचल में भी कांग्रेस अब विलुप्त होने वाली है। लाभ महिलाओं का मुड़ा है निश्चित रूप से, जिस प्रकार से केंद्र की मोदी जी की सरकार में और प्रदेश में जयराम ठाकुर जी की सरकार में, नाहन में डॉक्टर राजीव बिंदल जी के कारण जो विकासात्मक कार्य हुए हैं, आज जो जनसलाब यहाँ पर उमड़ा उससे मालूम होता है कि किस प्रकार से धरातल के ऊपर कार्यों को किया गया। बाकी चार राज्यों में जो अभी भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है और हमने देखा कि आज भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे देश भर में जो है हर जगह लहरा रहा है और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से विलुप्त होते जा रही है। 730 के लगभग सीटों के ऊपर जो चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी को मात्र 40 सीटें पूरे इन पांच राज्यों में मिली और उत्तर प्रदेश में तो मात्र 2 सीटों के ऊपर उनको सिमटना पड़ा। तो एक जिस प्रकार का आज हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश में भी माहौल बना है और 4.25 वर्ष का जो कार्यकाल प्रदेश सरकार का माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में पूर्ण हुआ है, आज जनता के अंदर एक नया जोश और चार राज्यों के चुनाव के बाद एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। देश भर में देख रहे हैं और कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी सिमट रही है और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी विलुप्त हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश में भी स्थिति यही है, आज कांग्रेस पार्टी जो है विलुप्त की ओर है। आज धड़ों में बंटी हुई कांग्रेस पार्टी है, यहाँ पर तो हर कोई जो है मुख्यमंत्री की दौड़ में है लेकिन विधायक कोई नहीं बनना चाहता, ऐसी स्थिति कांग्रेस पार्टी की है। और मैं जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी जो है विलुप्त होगी, ऐसा विश्वास मुझे है। देखिए अब कोरोना खत्म होगा इस बात को तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना अवश्य है कि सभी को अभी भी जब तक कि पूरी तरह से कोरोना समाप्त नहीं होता एहतियात बढ़ने की आवश्यकता। सर कार्यक्रम में तो कहीं नहीं देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आज एक ऐसा सैलाब मैंने नाहन में महिलाओं के बीच में देखा, हम इंग्लिश में कहते हैं गेट क्रैश, और आज महिलाओं ने साबित कर दिया कि जिस और महिलाएं चलती हैं जमाना उस और चलता है। और आने वाले समय में 2022 के चुनावों की दृष्टि से ये हमारा महिला सम्मेलन था जो नाहन में हुआ और हमने आज शंखनाद जो है वो चुनावों का फूंक दिया है। और मुझे विश्वास है कि नाहन में जो सक्सेसफुल जो सफलतापूर्वक कार्यक्रम हुआ है आज, उसकी दिशा में हम पूरे प्रदेश में महिलाओं के जितने भी सम्मेलन हैं उनको करेंगे। और 2022 में मिशन रिपीट के तहत भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जो है वो सजग है, खड़ा है और मैदान में उतर गया है।